आज मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए पूरा 1 मंथ गुजर चुका है। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी जो गलतियां मुझसे हुई वो आपने करना। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यार ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने एक बात बोली थी, तो आज से मेरा टारगेट है डेली ब्लॉगिंग। हाँ जी, तो मैंने ये बात बोली थी कि आज से मेरा टारगेट है डेली ब्लॉगिंग, लेकिन इस पूरे अरसे में मुझे सिर्फ यही टेंशन थी कि ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है। तो यार इस मंथ मुझे 30 ब्लॉग पोस्ट करने थे, लेकिन इस सारी टेंशन में मैंने सिर्फ 11 ब्लॉग्स पोस्ट किए। बाकी अब से मैं ब्लॉग्स वीक में एक दूँ या दो दूँ या डेली ब्लॉग्स करूँ, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करूँगा, अपनी क्वालिटी पे फोकस करूँगा, बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स प्रोड्यूस करूँगा। ब्लॉगिंग को मैंने इसलिए चूज़ किया कि मुझे स्क्रिप्ट वीडियोस नहीं है पसंद, और ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसे कि आप अगर न्यू हैं और कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लाइन्स बोलनी है। और अगर आप स्टार्ट से ही प्रो बनना चाहते हैं तो ब्रो आपके साथ भी मेरे वाले सीन होने वाला है। तैयार करते हैं हम पिज्जा का डो। हमारे पास है चीनी, शुगर। अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या कम से कम आप अपनी लाइंस को 5 या 6 टाइम्स बार बार रिपीट करते रहें ताकि आपको लाइन सही से याद हो जाए। थैंक यू सो मच यार, आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने सिर्फ 11 वीडियोस पोस्ट किए और यकीन करें आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, 45+ सब्सक्राइबर करवा दिए मेरे। मैंने तो इतना सोचा नहीं था, लेकिन थैंक यू। और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसमें इतना प्यार दिखाते हैं, 100+ उस पर लाइक चले जाते हैं, तो थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें भाई को। और एक चीज़, मैं एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है भाई से, तो आप करें। और व्यूवर्स यार, आप लोगों का तो कोई भी क्वेश्चन है मेरी लाइफ के हवाले से, कुछ भी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं सबको रिप्लाई दूंगा। बाकी अगेन थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने के लिए, यार दिल से सपोर्ट किया आपने। अब मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद करिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।